वेलकम बैक टू माय चैनल तड़का मसाला किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का रायता, जो बिरयानी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं। तो देखिए, 200 ग्राम हमने लौकी लिया है। लौकी को हमने छील के पीस पीस में कट करके रख लिया है। अब इसको हम उबालेंगे। 500 ग्राम हमने दही लिया है, हरा धनिया लिया है, 6 से 7 हरी मिर्च लिया है, काला नमक लिया है, पुदीना लिया है, पुदीने के पत्ते यूज़ करेंगे इसमें, और 1 चम्मच जीरा लिया है, 1/2 चम्मच काली मिर्च लिया। जीरा काली मिर्च को हम भूनेंगे। पुदीने के हम पत्ते निकाल लेंगे, सिर्फ पत्ते पीसने हैं इसके। बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है रायता हमारा। ये देखिए, इतने पुदीने के पत्ते लेंगे। पुदीने के पत्ते को हमने तोड़ लिया है। अब इसको हम बॉयल करने जा रहे हैं। उसके बाद काली मिर्च जीरा को रोस्ट करेंगे, हल्का सा भूनेंगे इसको। लौकी बॉयल करने के लिए लौकी के बराबर इसको पानी डालेंगे इसमें, और फिर इसको बॉयल कर लेंगे कुकर में। कुकर में 1 सीटी आने तक गलाएंगे लौकी को। देखिए, लौकी को हमने बॉयल करके ठंडा कर लिया है, और ये वही पानी है जिसमें हमने बॉयल किया था। ये पानी को फेंकना नहीं है। काली मिर्च जीरा को हमने भून लिया है। अब हम रायता बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मिक्सर जार लेंगे, उसके अंदर पानी के साथ लौकी को डाल देंगे। उसमें डालेंगे हरा धनिया, पुदीना के पत्ते, नमक हम बाद में डालेंगे रायता बनने के बाद। ये काली मिर्च जीरा। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। इसमें पानी अलग से और नहीं डालना है, क्योंकि लौकी का जो पानी था वो हमने डाल दिया है। देखिए, लौकी का पेस्ट रेडी हो चुका। इसको बर्तन में निकाल लेंगे। उसी जार में अब हम दही को पीसेंगे। अब दही को भी थोड़ा सा मिक्सर जार में चला लेंगे, ताकि एकदम फाइन पेस्ट बन जाए। ये देखिए, दही भी हमारी पीस चुकी है। अब दोनों को मिला लेंगे। अब हम चम्मच से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें डालेंगे काला नमक। काला नमक अपने टेस्ट के साथ डालें। काला नमक ना हो तो आप सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। लौकी डालने से रायते में गाढ़ापन आता है, क्योंकि दही अलग से अगर पीस कर बनाते हैं तो बहुत पतला पतला सा रायता बनता है। ये देखिए, हमारा रायता बनकर रेडी है। बहुत ही टेस्टी चटपटा सा रायता, खट्टा चटपटा सा रायता बनकर रेडी है। रायता हमारा एकदम झटपट, बहुत जल्दी 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार है। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।